हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ बिहेवियर। इसका जो पूरा नाम है टॉपिक का, वो है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ। आते हैं हम डेफिनेशन पर। डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल लर्न टू बिहेव इन अ मैनर कंडक्टिव टू द प्रमोशन, मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल और पीपल्स का जो ग्रुप है, वो एक मैनर के अंदर बिहेव करते हैं और हेल्थ को प्रमोट करते हैं और रीस्टोर करते हैं। नेक्स्ट आता है पर्पज ऑफ हेल्थ एजुकेशन। पर्पज ऑफ हेल्थ एजुकेशन के अंदर आएगा टू इन्फॉर्म पब्लिक अबाउट प्रॉपर यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक को इन्फॉर्म करें कि हेल्थ सर्विसेज का प्रॉपर यूज़ कैसे होता है, क्या होता है। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट नीड्स एंड देयर प्रॉब्लम। क्रिएट अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाएं कि हेल्थ नीड्स क्या क्या है, और उनको आइडेंटिफाई करवाएं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, ये सब कुछ। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आता है वो है टू एनकरेज पीपल टू अडेप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। लोगों को एनकरेज करें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, टू प्रोवाइड हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आता है हेल्थ बिहेवियर। हेल्थ बिहेवियर है, द बिहेवियर इज़ टू बी अडॉप्टेड और मॉडिफाइड बाय मे बी दैट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप एंड फैमिलीज हेल्थ प्रोफेशनल टू इंटायर कम्युनिटी। हेल्थ बिहेवियर के अंदर हम ऐसे पढ़ते हैं कि हेल्थ बिहेवियर जो होता है वो मॉडिफाइड भी हो सकता है और अडॉप्टेड भी हो सकता है। इसमें इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड फैमिली या कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल या इंस्टीट्यूशन या जितनी भी कम्युनिटी है, वो सारी इन्वॉल्व होती है। हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर इज़ एनी एक्शन दैट इज़ रिलेटेड टू डिजीज़। हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी एक्शन, जैसे कोई भी डिजीज़ का प्रिवेंशन है, हेल्थ को मेंटेनेंस करना है या हेल्थ इम्प्रूव करनी है और रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ करना है, तो हेल्थ बिहेवियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट आएगा प्लानिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। प्लानिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, देन असेसमेंट ऑफ रिकवरी। रिकवरी कैसे होगी उसको असेस करेंगे, या कैसे रिकवरी हुई है या जो रिकवरी हो चुकी है उसको असेस करना, एंड कंसिडरेशन ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। और जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल है उनको कंसिडर करके प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व करना, ये सब कुछ आता है। और इसके कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं कि हम पढ़ सकते हैं, जैसे प्रेपरेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन। नेक्स्ट आएगा इम्प्लीमेंट ऑफ प्लान कंसिडरेशन द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। प्लान को इम्प्लीमेंट करना, प्रिंसिपल्स का यूज़ करना एंड हेल्थ एजुकेशन करना पेशेंट को। मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग द डिग्री ऑफ स्टार्टेड ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड। मॉनिटर करना और इवेलुएट करना कितने ऑब्जेक्टिव्स या क्या हमने अचीव किया है, कितनी पेशेंट्स हेल्थ एजुकेशन दी है, ये। नेक्स्ट आएगा रीअसेसमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग को रीअसेस करेंगे। प्लानिंग इवेलुएशन एंड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन, ये भी इसी का एक पॉइंट है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन हेल्थ फंक्शंस। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के फंक्शंस के अंदर बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। मेनली हम इसके अंदर पांच पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, वो है सबसे पहला इन्फॉर्मेशन, देन एजुकेशन, देन मोटिवेशन, देन काउंसलिंग एंड देन हेल्थ डेवलपमेंट। ये सारे फंक्शंस हैं हेल्थ एजुकेशन के। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि हेल्थ एजुकेशन के अंदर सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को लें तो उसके अंदर सबसे पहला आएगा कि न्यूट्रिशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एक वेल बैलेंस्ड डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। देन उसके अंदर क्या आएगा कि आपको किसी को टीच करना है न्यूट्रिशन के बारे में, तो उसके अंदर केवल अबाउट कैलोरीज और बायोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिएंट के बारे में नहीं बताना है, बल्कि बैलेंस डाइट के बारे में बताना है, न्यूट्रिशन से जो प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में बताना है, और
छोटे बच्चों में जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती है या मिसकंसेप्शंस होते हैं न्यूट्रिशन को लेके, विनिंग को लेके, या इग्नोरेंस होती है, उन सबको उन सबके बारे में हेल्थ एजुकेट करना, और इन्फेंट्स या प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर होता है वो ट्रेडिशनल फूड एलोकेशन पैटर्न होता है विद इन फैमिलीज़ के साथ में, और जिस न्यूट्रिशन एजुकेशन देके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन की कंटेंट में सबसे पहले आएगा एनवायरमेंटल हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले हम पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे, तो पर्सनल हाइजीन के बारे में ये हम पढ़ते हैं जनरली बाथिंग, क्लोथिंग, वॉशिंग हैंड्स, टॉयलेट, केयर्स ऑफ नेल, फीट एंड टीथ, कफिंग, स्नीजिंग, पर्सनल अपीयरेंस एंड इनोकुलेशन ऑफ क्लीन हैबिट्स इन द यंग। उसके बाद ट्रेनिंग इन पर्सनल हाइजीन जो होती है वो शुड बिगन एट वेरी अर्ली एज एंड मस्ट बी कैरिड थ्रू स्कूल एज। मतलब जो हाइजीन मेंटेन करनी है पर्सनल, वो हम जो अर्ली एज के अंदर ही हम उसको स्टार्ट करवा देते हैं और उसको कैरी करते हैं हम स्कूल एज के अंदर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हाइजीन के अंदर आएगा, वो है इन्वायरमेंटल हाइजीन। इन्वायरमेंटल हाइजीन के अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे कि टू एजुकेट द पीपल इन द प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ विद द व्यू ऑफ ब्रिंग अबाउट डिज़ायर्ड चेंजेस इन हेल्थ प्रैक्टिसेस। एजुकेट करना लोगों को इन्वायरमेंटल हेल्थ को लेके, और व्यूज़ लाना अपने, और हेल्थ प्रैक्टिसेस के अंदर चेंजेस जो भी है वो सब, उन सब के बारे में एजुकेट करना। टू सिक्योर एडॉप्शन को सिक्योर करना, वाइड यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़। इन्वायरमेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ का बहुत बड़े स्तर पर यूज़ करना। कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि टू प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशनल स्टेज ऑफ इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आता है फैमिली हेल्थ केयर। फैमिली हेल्थ केयर का मेन एम जो होता है वो हेल्थ एजुकेशन इज टू स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फैमिली एंड यूनिट्स सो दैट इट कैन सर्वाइव द विसिट्यूड्स एंड रैपिड्स एंड कॉम्प्लेक्स सोशल चेंजेस। फैमिली के अंदर क्या होता है कि हेल्थ लार्जली डिपेंड ऑन फैमिलीज, सोशल, फिजिकल, एनवायरमेंटल एंड इट्स लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर, सब कुछ फैमिली हेल्थ एजुकेशन पर डिपेंड करता है। रोल ऑफ फैमिली हेल्थ प्रमोशन, फैमिली हेल्थ का रोल क्या होता है, प्रमोशन करना, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज करना, हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड केयर ऑफ सिक इज अ क्रूशियल इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट जो आता है वो फैमिलीज रेस्पॉन्सिबल इन चाइल्ड बियरिंग, चाइल्ड रियरिंग, सेल्फ केयर एंड इन्फ्लुएंसिंग देयर चिल्ड्रन टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफ। ये सब कुछ हम पढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आएगा कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम हाइजीन मेंटेन करके, प्रॉपर क्लीनिंग करके, प्रॉपर एजुकेशन लेके हम डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पीपल आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, हेल्थ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में आएगा द एम ऑफ एजुकेशन इन मेंटल हेल्थ इज़ टू हेल्प पीपल इन कीप मेंटली हेल्दी एंड प्रिवेंट अ मेंटल ब्रेकडाउन। मेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका मेन एम यही होता है कि लोगों को मेंटली हेल्दी रखना, और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जो जो एजुकेशन होती है वो प्रोवाइड करना और पार्टिसिपेट करना बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर, जिससे आपको बहुत अच्छी एजुकेशन्स मिलती है। नेक्स्ट आएगा कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन के अंदर प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये मेनली थ्री मेन एरियाज़ के अंदर होता है। एक तो द होम, सेकेंड आएगा रोड एंड द प्लेस ऑफ वर्क। इसका जो अगला पॉइंट है वो सेफ्टी एजुकेशन शुड बी डायरेक्टेड टू दीज एरियाज़। इन एरियाज़ के अंदर सेफ्टी एजुकेशन ज़रूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इट शुड बी द कंसर्न ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट टू इन्फोर्स रूल ऑफ रोड सेफ्टी।
नेक्स्ट पॉइंट आएगा मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट एंड प्रमोट जनरल ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस। कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन का नेक्स्ट पॉइंट आएगा यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज का यूज़ आप कैसे करेंगे? टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज के बारे में पब्लिक को इन्फॉर्म करना जो कि कम्युनिटी के अंदर अवेलेबल हो और उसको यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में। दे शुड नॉट बी मिसयूज्ड और अब्यूज्ड। वे उसका मिसयूज्ड और अब्यूज ना करें इसके बारे में भी उनको एजुकेट करना